जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक और आगे भी होगा। तो गाइज नौमी आज करेंगे, नौमी का पूजा यानी कि कन्या पूजन। तो गाइज सुबह के 5 बजे का टाइम हो गया और मैंने 3 बजे का अलार्म बच्चों से लगवा दिया था और 2:45 बजे तो मेरी आँख खुल गई थी। और यहाँ पे गाइज 5 बज रहे हैं गाइज में, और इस समय मेरा हलवा बन चुका है, खीर बन चुकी है, और उधर मेरे आलू बॉईल हो रहे हैं और इधर मैं आटे को छान रही हूँ। और इसके लिए आटे को छान के फिर मैं इसको आटे को लगा दूँगी और पुए का आटा भी लगाऊँगी। तो गाइज जो ये आटे का कट्टा रखा हुआ है, तो मैंने इनसे बोल दिया था 2 दिन पहले कि आप है ना गेहूं को पिसवा देना, और गेहूं मम्मी रीको में मम्मी खुद से साफ़ करके करती हैं और फिर ये पिसाने डाले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस हलवा बन गया, कलर भी उसका अच्छा आ गया है। तो फिर मैंने सोचा कि माँ का प्रसाद बनाएंगे या पूड़ियाँ बनाएंगे, तो जो अब पिस के आया है आटा उसी से बनाएंगे। तो उसमें मैंने लिया नहीं था और नीचे वाले जो डब्बा है आटे का उसमें आटा था, लेकिन मैंने नहीं, मेरे को तो जो अब आया है पिसके उसमें से ही लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पुए का भी पेस्ट घोल लिया है गाइस, और ये जो पानी के बर्तन है मैंने एक्स्ट्रा वो सब्जी वगैरह धोने के लिए भी रख लिए थे, क्योंकि नवमी के दिन उनके सुबह मॉर्निंग में नल तो देर काफ़ी देर में आते हैं, तो शाम को ही मैंने ताजी मतलब पानी मांझ के सारा भर लिया था किचन का। तो यहाँ पे मैं पूड़ियों का आटा लगा लूँगी गाइस। और देखिए गाइस, और ये येलो साड़ी है ना गाइस, ये मेरी शादी की है, तो ये वाली येलो साड़ी मैं जब भी कोई थर्सडे पड़ता है किसी भी फेस्टिवल वाले दिन, तो मैं ना येलो साड़ी पहन लेती हूँ और मुझे बहुत पसंद है गाइस। तो यहाँ पे मैंने ये येलो साड़ी पहननी है। और ये गाइस ये मेरे जो मेरा ब्लाउज है ये मैंने खुद से ही बनाया था, तो मेरे पार्लर पे कस्टमर ने मुझे कई बार टोका है, वो कहते हैं कि आपका ये ब्लाउज हमें बहुत पसंद आता है। तो देखिए गाइज यहाँ पे ये सारे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए मैंने हलवे में और खीर में, तो यहाँ मेरी खीर और हलवे बन गए हैं गाइज। देखिए गाइज यहाँ खीर, और गाइज ये ड्राई फ्रूट मेरे हस्बैंड ने काटे थे, बहुत ही बारीक तरीके से काटे थे, और उन्होंने आज मेरी हेल्प भी करवाई थी। और यहाँ पे मैं मंदिर पे लोटा चढ़ा के आ गई अपनी कुल माता पे, और इसके बाद मैंने विष्णु भगवान की भी पूजा करी थी, क्योंकि दोनों पूजा करनी थी। और फिर उसके बाद मैंने माता की जो खूंट निकालते हैं 9 खूंट वो निकाले थे, और इसके बाद फिर माता पूजने जाएंगे। तो पहले अपनी कुल माता की पूजा करते हैं हम, उसके बाद फिर दोबारा ये सारा जो पूजा का सामान बना लेते हैं, उसके बाद फिर माता को जो माता हैं अपने अपने एरिए में जितनी माता हैं उन माताओं को हम पूजने जाते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में आके अपनी कुल माता को भैरव बाबा को पूछते हैं, फिर अपने जो घर के देवी देवता होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जो पितर होते हैं उनको नाम लेते हैं, उनको पूछते हैं। तो यहाँ पे गाइस देखिए पूड़ियाँ बन गई हैं, और काफ़ी अच्छी पूड़ियाँ, फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं, तो मन खुश हो जाता है गाइस जब पूड़ियाँ फूली फूली बनती हैं। तो यहाँ पर मैं वो पुए तोड़ रही हूँ और काफ़ी जल्दी हो रही है। और गाइस माता वाले दिन तो ऐसा लगता है कि रात में सोचते हैं कि इतने बजे उठना है, उससे पहले ही आँख खुल जाती हैं गाइस, अपने आप ही ऐसी लगन होती है, चिंता सी हो जाती है कि अपने अलार्म से पहले ही आँख खुलनी थी मेरी। और यहाँ पे मेरे और बाकी जो थोड़ा बचा है पेस्ट मैं बाद में सेक लूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे मैं सारा सामान और जो छोटी छोटी जो और भी चीज़ें बनानी होती हैं, पुए हैं और लठिया भुंजिया बनाते हैं हमारे यहाँ, यानी कि माता के कूट पे रखी जाती है, वो आप लोग भी जानते होंगे, वो सारा सामान मैं बना लूँगी, उन्हीं में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ दूसरी साइड में मैंने आलू मटर और चने की सब्ज़ी बना दी है, तो उस साइड में वो सब्जी बन रही है। तो इस समय का मतलब इतनी जल्दी पड़ रही है कि तो यहाँ पर मैं कूट जो माता के कूट है उस पर हलवा है, खीर है, सबको थोड़ा थोड़ा रख दूँगी, और उसके बाद हम मैं माता की प्लेट तैयार करूंगी। तो देखिएगा सब्जी मेरी गाइस आज ही लाइट को जाना था, देख लो लाइट का तो रोज का ही है, जाती है किसी टाइम पे ही। यहाँ पर थोड़ी बहुत करने आ चुकी हैं और थोड़ी बहुत आ भी रही हैं, इसको देखो वो फालतू में बैठ गई है।
डैडू जगह ही नहीं है। तो रुक जा जाने के चार भैया। बुड़ी कौन ले हो तुम? नंगी बुड़ी ले लो डैडी ना वो तुम बुड़ी लोगी नहीं तो जगह हां में देगा है ना। सब्जी कौन है? खाला तेरे को ले रहा है सब्जी। सब्जी लियो धीरे धीरे बच्चे मन के कच्चे। तो जा रहे हैं सब जने दिल्ली तो ले जा। अपनी ट्यूशन से आ गए हैं और अब जाके फ्री हुए हैं। अभी तो बर्तन वगैरह थोड़े खाली करने हैं और फिर भी तो गई। तो गाइस माता भूल दी गई हैं, कन्या भोजन कर गई हैं और सुर भी गई है खाना खाने के लिए। सुर को कन्या पूजन के लिए बुला ले गए हैं और लव ने थोड़ा सा ही खाया है। अभी सारा सब कुछ हो गया, पापा मम्मी का पहुंचा दिया और लव सुर भी लव ने थोड़ा सा ही खाया है। थकान बहुत हो रही है गाइस, 3 बजे उठे थे, 3 बजे से 8 बजे, 8 बजे से पहले कुछ नहीं थी हमारी माता, 8 बजे से पहले कुछ नहीं थी, 8 बजे से खत्म हो गई थी। भगवान का दीपक रख दिया है मैंने और अब मैं लेके आई हूँ गाइस चाय, क्योंकि आज थर्सडे व्रत है तो अभी तो मैंने खोला भी नहीं है और व्रत खुलेगा तब। अभी शाम को राम मंदिर पे प्रसाद चढ़ाना है क्योंकि आज रामनवमी है, तो हमारे यहाँ राम मंदिर है वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, सभी लोग चढ़ाएंगे प्रसाद। तो आज मतलब लास्ट है आज, और हमारी कुल माता पर भी है ना आज मेहंदी और काजल लगाया जाएगा, तो वहाँ पे भी शाम को भजन होंगे, भेंट होंगी माता की, उसके बाद ही फिर खाने को। तो अभी तो मैं चाय बना के लाएंगी गाइस, तो देखिए गाइस मैं चाय बना के लाएंगी अपने लिए, तो चाय थोड़ी ज़्यादा ही बनाई है मैंने, सिर चढ़ रहा है मेरा यार, बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है मेरे सिर। लव सुर भी चले गए, वीको चले गए हैं, वीको अपनी बुआ के घर चले गए और बहुत ज़्यादा सर चढ़ा, आँखों में दर्द हो रहा है। दोपहर में मैं सो गई थी गाइस, बच्चे भी सो गए थे, थकान सी हो गई थी, सो गए तो चाय पी के मिलते हैं फिर गाइस आपसे। बच्चे राम मंदिर पर जाएंगे, फिर हम माता पर जाएंगे मेहंदी और काजल लगाने, बेटों होंगी माता की।